हाँ बस तुम लोग मैच देख लो आईपीएल बस आईपीएल ही खाना पीना देगा ठीक है वही आएगा नीट में सवाल बस खाना पीना देगा ठीक है वही आएगा। कौन मैच जीता था मैन ऑफ द मैच कौन था है ना कोलकाता नाइट राइडर को चलो चल चुका है लायक बच्चों पढ़ाई लिखाई ध्यान दो मेरे बेटा मेरे प्यारे बच्चों ओके शारा हिमांशु सैमसंग ऑफिशियल मोहम्मद तलहा प्रश्न राजपूत गंगवार सरजी का चेला नमस्ते बेटा कैसे आप सब मेरे बच्चों लैबा साही हिमांशु एलन वॉकर पायल सारा परवीन, सहनवाज चंद्रसेन रूपेश निपेंद्र हिमांशु अग्रवाल शान्या प्रदीप शानिया शेख रविंद्र कुमार आशु सतीश प्रदीप ओके आयशा अंजलि, प्रदीप सिंह यादव वेरी गुड इवनिंग बच्चों वेरी गुड इवनिंग कैसे आप सब बेटा बेटा आईपीएल से दूर रहो क्योंकि ये आईपीएल तुम लोग का एग्जाम लेके चला जाएगा ठीक है ज्यादा उस पर ध्यान मत दो अच्छा <laughs> तो नगर रोल नंबर बना दिया जाए क्या एकता अभिषेक चौधरी प्रखर पटेल शरीफुल हसन नहीं बेटा ये नशा बहुत खराब होता ना, है ना आईपीएल वाला जो नशा है ना नशा जिसको लग जाता है ना फिर वो छोड़ नहीं पाता है इतनी भी कोशिश कर लो तो इसलिए नशे को दूर ही रखो हाँ 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 सनाया बेटा बहुत मार खाओगे आयशा बेटा मैं थोड़ा सा बाहर गया था नहीं नीट पंचायत के बाद अभी वीआईपी भी तो है इतने बड़े बड़े वीआईपी तुम्हारे साथ तुम लोग क्या हो आईपीएल में लगे रहोगे वैसे बताओ आईपीएल में अनएकेडमी की टीम कौन सी आपको पता है कि आईपीएल में अनएकेडमी की टीम कौन सी क्या तुम लोग ये जानते हो हिमांशु बेटा छोड़ दो बेटा इल्लत अच्छी नहीं हाँ आईपीएल हम लोग यहाँ पे चलाते हैं ना लोग चलाते हैं इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग इंपॉर्टेंट प्रीमियर लीग अच्छा सर जी का चेला बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो इस पंचायत का चुनाव कब होगा हाँ यार ये अच्छा सवाल रविंदर पूछा है देखो इस पंचायत में हम क्या करेंगे अभी पैतालीस आपके पैतालीस दिन पूरे हो जाने दो ठीक है पैंतालीस दिन में हम पूरे थर्टी एट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे आखिरी यूनिट चल रही है सारी यूनिट मैंने कम्प्लीट करवा दी फिर हम लोग हम लोग एक क्विज़ करेंगे हम लोग एक क्विज़ करेंगे चाहे वो ऐप पे कर लेंगे या मेंटी कर लेंगे और फिर एक प्राइज रखेंगे है ना टॉपर्स के लिए टॉपर्स के लिए एक प्राइज रखेंगे नीट पंचायत कितने दिन चलेगा बेटा नीट पंचायत ही आईपीएल से तो कम ही चलेगा आईपीएल तो मुझे लगता है कि दो दो महीने चलता है नहीं बेटा ये फोर्टी टू लेक्चर है आज है ना चालीस लेक्चर पूरे हो चुके हैं चालीस लेक्चर पूरे हो चुके हैं है ना ये फोर्टी टू आज लेक्चर है है ना आज है फोर्टी टू नंबर लेक्चर तो अनकेडमी

और एच जी लाइव कोड यूज करेंगे तो फिर टेन परसेंट का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 2021 के लिए अगर अगले तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा ठीक तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर एक महीने का फ्री मिल जाएगा कोड कौन सा यूज करेंगे एच जी लाइव कोड का यूज करेंगे ओके एच लाइव कोड का यूज करेंगे और इस ऐप आप पे आपको मिलेंगे टॉप क्लासेस है ना और अनअकेडमिक कॉम्बैट ये बेटा संडे को जरूर दीजिएगा एच जी लाइव कोड इसके लिए भी आप यूज करेंगे फ्री है बेटा तो फ्री है तो लूट लो लूटते क्यों नहीं हो हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप मिलने का भी चांस है सीखोगे टेस्ट भी दोगे एक घंटे का केवल टेस्ट है एक घंटे के टेस्ट में 28 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्यों नहीं देते हो तुम लोग ओके okay, हिमांशु खुश रहो बेटा खुश रहो तथास्तु तथास्तु और ये पहला सवाल आ चुका है आपकी स्क्रीन पर रजत मिश्रा नीट का नामांकन कब से होगा कृपया बताएं ये बात तो एक ही महोदय जी बता सकते हैं वो है रमेश चंद्र पोखरियाल जी है ना उनके अलावा कोई भी इस विषय पर प्रकाश नहीं डाल सकता है तो इस विषय में मुझसे पूछने की कृपा ना करें ठीक है इसके बारे में मैं आपको कोई भी बेहतरीन आंसर नहीं दे सकता हूँ इस सवाल का जवाब केवल एक ही इंसान आपको दे सकता है ठीक है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है टाइम मैं आपको बताता हूँ टाइम हो रहा है दस बजकर पंद्रह मिनट ठीक है दस बजकर पंद्रह मिनट हम स्टार्ट कर रहे हैं देखते हैं कितनी जल्दी आप कंप्लीट करते हैं कितनी जल्दी आप कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा बड़ा कर लें अपने आप को अभी सही है <laughs> प्रखर करे सर गुरु फ्री के भंडारिक पूरी भी नहीं छोड़ते हैं <laughs> एंटोनी वॉन लेवे करे सर एवियन वाला पानी पी के दिखाइए <laughs> तुम बहुत मार खाओगे बेटा तुम लोग बहुत मार खाओगे यहाँ मैं एक टाइम खाना खाता हूँ तुम लोग मतलब क्या बात करते हो समझ में नहीं आता ये एवियन क्या होता है बेटा ये एवियन का पानी क्या होता है मुझे तो जानता भी नहीं मैंने तो सुना भी नहीं इसके बारे में कुछ क्या होता है ये पानी अरे मेरा आशीर्वाद तो सारे बच्चों के साथ हमेशा ही है नीट, नीट में पर्चा कब दाखिल होगा बेटा अब इलेक्शन इलेक्शन होंगे उसके बाद ही देखो पढ़ाई लिखाई तो बाद में आती है पहले इलेक्शन इलेक्शन हो जाने दो है ना उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो चलती रहेगी पढ़ाई लिखाई इतना जरूरी थोड़ी है जितना इलेक्शन इलेक्शन जरूरी है तो उसकी डेट वोट आ जाएगी अब इसकी तुम लोग को एग्जाम की डेट बता दी गई नहीं वही बहुत है तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा विराट कोहली पानी पीता ये वाला रे तो इसमें कौन सी खास बात पानी तो पानी होगा ना चलो ठीक है अच्छा, तुम लोग बातों में फंसा लेते हो ना स्वीट पी में पी में कौन सा प्लेजेंटेशन पाया जाएगा मेरे बच्चों मार्जिनल प्रसेंटेशन मार्जिनल प्रेसेंटेशन होगा पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक, पेंटामेरस पे ध्यान दो बाई कार्पिलरी ओवरी विद ऑबलीप्टेन ए फ्रूट ऑफ कैप्सूल और बेरी बिलोंग टू फैमिली ऑब्लिक सेप्टम से सीधे पता लगा सकते हो तो अच्छा ये तो मैंने कहा नहीं जल्दी से, से शेयर करो लाइक करो जल्दी से सारे बच्चे नालायक हो रोज बताना पड़ता है 121 लोग और 25 लाइक है इसका क्या मतलब होता है मार खाना चाहते हो क्या तुम लोग मुझे बहुत गुस्सा आ रही है ये बात हो रही है किसके बारे में सोलनेसी के बारे में सोलनेसी फैमिली की बात हो रही है बेटा ठीक है ये सोलनेसी की बात हो रही है। नंबर ऑफ़ फीमेल फ्लावर इन द साइथियम साइथियम में फीमेल फ्लावर कितने होते हैं बेटा साइथियम में फीमेल फ्लावर कितने होते हैं देखो साइथियम में जो बेटा फीमेल फ्लावर है और मेल फ्लावर होता है इनका जो रेशियो होता है वन इज टू मेनी होता है साइथी साइथियम एक इनफ्लोसेंस है जिसमें फीमेल फ्लावर एक होता है और मेल फ्लावर बहुत सारे होते हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अरे ठोको जल्दी से लाइक ठोको जल्दी से मैं गंजा बनवा लू क्या अपना नालायक द फ्रूट इज चैंबर डेवलप्ड फ्रॉम इनफीरियर ओवरी एंड हैज सीड विद सकुलेंट टेस्टा सकुलेंट टेस्टा रसीले टेस्टा कहां पर पाए जाते हैं या सकुलेंट टेस्टा ये बेटा जो पोम ग्रेनेट होता है ना जिसको अनार कहते हो अनार में जो खाने वाला हिस्सा होता है वो सकुलेंट टेस्टा ही होता है फ्लैसी रिसेप्टिकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेज ए नंबर ऑफ ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है सीबीएसई आईपीएमटी में ठीक है मतलब मैं ये कह सकता हूँ नीट 2008 में ये सवाल पूछा गया था आपसे ठीक है तो इसमें आपको याद करना है क्या एक याद करना एक ही याद करना रेपलम अकर इन द ओवरी ऑफ रेपलम किसकी ओवरी में पाया था रेपलम को सेप्टम भी कहते हैं रेपलम को फॉल्स सेप्टम भी कहा जाता है सेप्टम या रेपलम है ना सेप्टम या रेपलम बताइए चलो

और कहां पर होते हैं। फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया बेटा क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन फॉर्मूला है बेटा दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ दसी फैमिली है ना ये सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला आपको दिया गया है और सोलेनेसी का मेंबर कौन सा है बेटा टोबैको यहाँ पर सोलेनेसी का है लेडीज फिंगर और ओकरा बिलोंग टू द फैमिली लेडीज फिंगर या ओकरा किस फैमिली से बिलोंग करता है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा लेकिन अब आप कर सकते हो इसको क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं ओके okay? तो भिंडी किस फैमिली से ये भिंडी है मेरे बच्चों तुम लोग तो क्या यार भिंडी नहीं जानते हो भिंडी माल वेसी फैमिली कौन सी माल वेसी फैमिली चलो द टेक्निकल टर्म यूज फॉर ऑफ चाइना सा टर्म यूज करते हैं के के लिए, China Rose बेटा, के, के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं है? ये आपको बताना है कौन सा टर्म ये तो दिया गया बेटा चाइना रोज में मोनो अडलफस टर्म का यूज करते हैं मोनोडस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ इलाशन समीडर्मलोरे निकलते हैं और रूट आर सही है मेज एंड शुगर कैन है प्रॉपर रूट ना बेटा मेज और शुगर कैन में रूट पाए जाते हैं तो करेक्ट कौन सा है बी एंड सी स्टेटमेंट आर करेक्ट बी एन सी स्टेटमेंट आर करेक्ट ट्वेल्व नंबर ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा यस रूट रूट कैप कैप इज नॉट इन द ऑफ वाटर वाटर ड्यू टू के में मदद नहीं करता है क्यों नहीं मदद करता है रूट कैप है ना रूट कैप वाटर के एब्सॉर्प्शन में क्यों मदद नहीं करेगा ये रूट कैप क्योंकि इसमें बेटा रूट हेयर नहीं पाए जाएंगे ना रूट हेयर एक्चुअली एब्जॉर्प्शन करता है ना तो यहाँ रूट हेयर पाए नहीं जाएंगे वेलामेन इज ए टिश्यू फाउंड वेलामेट टिश्यू कहाँ पाया जाता है ये अच्छा सवाल है बेटा टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है यस yes. कमॉन बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्टीन के लिए आपको बताना है वेलमेंट टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है आपके 2011 के एग्जाम में पूछा गया था वेलमेन टिश्यू इज प्रेजेंट इन

सेवेंथ स्टैंडर्ड के डोडो पढ़ता है बेटा डोडो अभी प्ले ग्रुप में है और वो भी पढ़ता है ग्रीन लीफ लाइक इंटरनोट लॉन्ग स्टेम ब्रांचेस आर कॉल्ड ग्रीन लीफ लाइक वन इंटरनोट लॉन्ग ध्यान से करिएगा लीफ लाइक है वन इंटरनोट लॉन्ग पूछा गया क्या कहते हैं इसे इसे क्लेडोट कहते हैं वन इंटरनोड लॉन्ग है जिसे क्लेडोड कहा जाता है हाँ बंबू कलम का एग्जाम्पल है बंबू जिसे कहते हैं बांस है ना बांस विच वन है लॉन्ग सिलेंडर एंड क्वाइल्ड स्टेम टेंड्रिल बताओ स्टेम टेंड्रिल कहां पर पाए जाते हैं स्टेम टेंड्रिल कहां पर पाए जाते हैं स्टेम टेंड्रिल आर प्रेजेंट इन क्वेश्चन नंबर 17 ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन अंगूर की बेल और पंपकिन जो होते हैं बेटा इनमें स्टेम टेंड्रिल पाए थे इन रस्कस द स्टेम मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड रस्कस एस और एस्परगस में स्टेम के मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं अपुंशिया और यूफोरबिया में फिलोक्लेड पाया जाता है रसकस और एस्परगस में क्लेडोड पाया जाता और क्लेडोड वन इंटरनोड लॉन्ग होता है अभी अभी हमने किया है इन द लिप्स वेन आर यूजफुल फॉर लिप्स में वेन किस काम में मदद करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल मैकेनिकल सपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट तो क्या सभी काम में मदद करेंगी यस वर्ल फिलोटैक्सी विद सिंपल रेटिकुलेट लीफ अकर इन वर्ल्ड फिलोटेक्सी सीधा एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है वर्ल फिलोटेक्सी कहां पर पाया जाती है वर्ल्ड फिलोटेक्सी एलेस्टोनिया और नीरियम याद कर सकते हो तो कर लेना एलेस्टोनिया और नीरियम में वर्ल फिलोटेक्सी पाई जाती है स्पैडिक्स और इनफ्लोरसेंस विद स्पैथ स अभी एनसीईआरटी में तो नहीं लेकिन बेटा आपके एग्जाम में 2011 में पूछा गया था स्पेडिक्स इन्फ्लोसेंस बनाना में पाया था है। केले का जो इन्फ्लोसेंस होता है उसे स्पैडिक्स कहा जाता है, है ए फ्लैट फ्लावर, एंड ए वर्ल ब्रैक्ट। कहां पर मिलता है इनवल्यूकर कहां पर पाया था क्वेश्चन नंबर 22 टू यस ये सनफ्लावर में होता है जिसमें हेड या कैपिचुलिस प्रेजेंट होता है क्शुअल फ्लावर और कैटिकिन नाम कालबेरी यानी पाया जाता है ठीक है टिटरा डायनमस कंडीशन इज द कर देरी गुड क्वेश्चन टिट्रा डायनमस कंडीशन कहाँ पर पाई जाती है टिटरा डायनमस कंडीशन इज प्रेजेंट इन

अच्छा ऐसा कि नहीं सर इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं फास्ट चल रहा है क्या क्वेश्चन फास्ट हो रहे हैं क्या बेटा आज? थोड़ा सा टेट्रा में यही तो गलती बेटा टेट्रा मतलब चार नहीं टेट्रा मतलब यहाँ पर छह स्टेमेन होते हैं बेटा ओके यहाँ पर छह स्टेमेन होते हैं चार बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं तो यहाँ चार नहीं होते टोटल छ होते हैं ठीक है तो का लगा लो खाली तुम लोग बस और कुछ ना करना आईपीएल देखना खाली सिंगल ओव्यूल एक ओव्यूल ओवरी के अंदर एक ही ओविल पाया जाएगा ओवरी इज हाफ इन्फीरियर अब ये भी कोई पूछने वाला सवाल था हर साल नीट में पूछा जाता है <laughs> अच्छा मास्टर लिखा था मुस्ताक को लगा कि मुस्ताक लिखा हुआ है हाँ रजत ठीक है अभी ठीक है स्पीड इसमें भी घंटा रुक जाएगा हो तो प्लम एंड पीच करने में प्लम पीच और एक और एग्जांपल हो तो अभी लिखो थिक पेरी कार्प ऑफ फ्लैसी फ्रूट कंसिस्ट ऑफ जो फ्लैसी रसीले फल होते हैं आम अमरूद रसीले फल की जो पेरी कार्प होती है छिलका जिसे आप कहते हो छिलका भी कहते हैं कुछ लोग छिकला भी कहते हैं तो छिकला और छिलका जो मन हो कह लो उसमें क्या होता है एपी कार्प मीजोकार्प एंडोकार्प या ऑल क्या हो जाएगा रोज बिल्कुल बेटा उमेश एकदम सही है प्रशन्न बिल्कुल ऑल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना ए स्मॉल ड्राई वन सीडेड फ्रूट कोट एंड फॉर्मिंग होता है दैट इज ने यह बेटा गेहूं चावल में पाया जाता है ना गेहूं चावल कैरियोसिस नाम का फ्रूट होता है कैरियापसिस नाम का फ्रूट होता है जैसे अगर हम एक बात करें एक चावल के बारे में एक चावल का दाना बताओ एक चावल का दाना एक फ्रूट है या सीड है चलो लोग परीक्षा ले ही लेते हैं ये चावल का दाना बेटा क्या है नालायकों सीड है फ्रूट है फ्लावर है इनफ्लोरसेंस है चोकला शक्ला एक चावल का दाना एक सीड है बेटा जिसको आप कहते हो राइस ठीक है राइस अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे एक एक धान का दाना अब एक धान के दाने की बात करते हैं धान का एक दाना क्या धान जानते हो क्या होता है पैडी जिसको कहते हो पैडी पैडी फील्ड पढ़ा है धान का खेत तो पैडी का एक दाना क्या है दैट इज फ्रूट है ना ये फ्रूट होता है और जब पैडी धान के दाने से भूसी हटा देते हो तो अंदर जो निकलता होता है चावल चावल एक सीड होता है ओके okay? तो जो पैडी है वो कैरियोप्सिस नाम का फ्रूट है अच्छा मुझे बता सकते हो तो मक्के का एक दाना क्या है बेटा मक्का भुट्टा देखियो ना भुट्टे में बहुत सारे दाने होते हैं तो एक दाना मक्के का एक दाना क्या है भुट्टा देखा है ना ये भुट्टा इतना बड़ा देखा भून के खाया इसमें बहुत सारे दाने लगे हुए हैं, जिनको उखाड़ा दांत से हाथ से एक दाना उखाड़ के मैं दिखाऊं तो क्या है वो धान से फोकला निकल जाता है तो चावल बन जाता है ये मक्के का एक दाना क्या होता है एक दाना एक फ्रूट होता है कौन सा फ्रूट कैरियोप्सिस कैरियोप्सिस होता है बेटा ठीक है मतलब मैं चाहूं तो एक क्वेश्चन पे एक घंटे निकाल सकता हूं ठीक है टैलेंट है योसेंस एनसीआर एनसीईआरटी में दिया है साइमोज कहां पे दिया है बेटा ये आप मुझे जल्दी से बताओगे साई मुहाज जुंधरी कहते हैं मक्के को कौन जुन्धरी गांव में कहते हैं इसी को लाइक करो बेटा 170 लोग 110 लाइक ये तो बहुत गलत बात है अब जब तक 170 लाइक नहीं होंगे अगले सवाल पे मैं चलूंगा नहीं तुम लोग मेरा मूड खराब कर रहे हो हाँ, हाँ, हाँ। सोलेनम में एनसीआरटी ने दिया सोलेनम में चलो जल्दी से तुम लोग क्यों ऐसा काम करते हो तुम लोग मुझे प्यार नहीं करते हो क्या चलो क्वेश्चन नंबर थर्टी प्लांट विद प्रोवाइड पल्सेस बिलोंग टू फैमिली पल्सेस का मतलब दाल जिस फैमिली से हमें दालें मिलती हैं है, है ना जिस फैमिली से हमें दाले मिलती हो कौन सी फैमिली है बेटा दैट इज द फैबेसी फैमिली है ना फैबेसी फैमिली एक क्रॉप इल्डिंग अनसेचुरेटेड ऑयल एक ऐसी फसल जिससे हमें तेल मिलता है अनसेचुरेटेड ऑयल अनसेचुरेटेड बेटा जो कि सर्दियों में ना जमता हो तो जैसे सूरजमुखी का तेल और सूरजमुखी का साइंटिफिक नेम क्या है हेलियंथस एनुवस इसी को सूरजमुखी कहते हैं या फिर इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं और साइंटिफिक नेम लिनियस ने कहा हेलिनथस एनोवस की ये अच्छा मुस्ताक क्या बात है क्या बात है क्या बात है दिल खुश हो गया जाइगोमार्फिक फ्लावर विद वैक्सिलरी एस्टिवेशन डायड अल्फा सेंड्रोशियम एंड मार्जिनल प्लेसेंटेशन करें मार्जिनल प्लेसेंटेशन वैक्सिलरी एस्टिवेशन सब किसकी बातें हैं फेबेसी की बातें हैं बेटा, फेबेसी की बातें हैं, तो फेबेसी का मेंबर कौन है? पी पाइजम, सटाइवम, क्लियर? Which one has the largest number of genera and species of the plant? Largest number of genera और species किस फै, किस फैमिली के अंदर है? ये अच्छा सवाल है बेटा। टेन स्टार क्वेश्चन इसको इसको मैं प्रोवाइड कर देता स्टार मैंने इसको दे, दे चलो बताओ सबसे ज्यादा सबसे बड़ी फैमिली कौन सी एस्टिशी है ना ये देखिए सबसे बड़ी फैमिली है बेटा पता है आपको बेस्ट फैमिली विच रूट अमंग द अमंगोविंग ग्रो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कौन सी रूट ग्रो करती है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर दिज आर दूमैटो फोर न्यूमैटो फोर होते हैं विच वन इज करेक्टली मैच कौन सी करेक्टली मैच्ड है बेटा कौन सी करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर रूट ग्रास मॉन्स्ट्रा में कौन सी रूट होते हैं फाइबरस रूट होते हैं ग्रास मॉन्स्ट्रा ग्रास मॉन्स्ट्रा में एडवेंटिशियस होते हैं ना हाँ है ये नहीं डहलिया में हाँ डहलिया में फैसिकुलेटेड रूट पाई थी थर्टी फाइव का ए हो जाएगा बिल्कुल साइंस डीलिंग विद पोजिशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फॉर्म के बारे में पूछा तो एक्सटर्नल फॉर्म क्या है बेटा मार्फोलॉजी हो जाएगा एक्सटर्नल फॉर्म क्या हो जाएगा मार्फोलॉजी हो जाएगा ए प्लांट विद फोटोटिक रूटेज जिस प्लांट में फोटो मतलब रूट फोटोसिंथेसिस करती जनरली ऐसा नहीं होता है लेकिन फोटोसिंथेटिक रूट कहां पर पाई जाती हैं फोटोसिंथेटिक रूट आर प्रेजेंट इन ट्रापा सिंघाड़ा जिसे कहते हैं बेटा है ना सिंघाड़ा तो सिंघाड़ा में फोटोसिंथेटिक रूट प्रेजेंट होती हैं सिंघाड़ा में फोटोसिंथेटिक रूट पाई जाती है क्वेश्चन नंबर 38 द प्लांट ऑफ एरिड रीजन एरिड मतलब जहां पर पानी की कमी हो वि फ्लैट ग्रीन स्टेम कैरिंग आउट फोटोसेंथिस तो करें स्टेम का काम का करता है स्टेम फोडोसेंथिस का काम का का करता है और ऐसा कहां पर होता है बेटा यूफोरबिया में ऐसा होता है ठीक है यूफोरबिया और अपुंशिया में भी होता है अब यहां पर फ्लैट से पहचानोगे फ्लैट है तो अपुंशिया हो जाएगा और यूफोर्बिया में कैसा होता सिलेंड्रिकल होता है ना तो सिलेंड्रिकल अगर कहता कि सिलेंड्रिकल ग्रीन स्टेम तो यूफोर्बिया करते अपुंशिया इसलिए करें क्योंकि फ्लैट दिया गया फ्लैट तो देखो कितना बढ़िया सवाल है अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा इस क्वेश्चन को तो आप कर ही नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो अपुंशा यूफोर्बिया दोनों ही फिल्लोक्ड है ये दोनों ही फिल्लोक्ड है बेटा अपुंशिया यूफोर्बिया लेकिन दोनों में अंतर है कि एक में फ्लैट एंड होता और एक में फ्लैट होता एक में सिलेंड्रिकल होता अब क्लेडोड है क्लेडोड की बात हम पहले भी कर चुके हैं क्लेडोड क्या होता है क्लेडोड इज जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्लेडोड इज वन इंटर नोड लॉन्ग मॉडिफाइड स्टेम कैपेबल ऑफ फोटो ओके क्वेश्चन नंबर फोर्टी पे आ जाते हैं विच इज करेक्टली मैच अनियन बल्ब सही है जिंजर फाइजोम क्या होता है फाइजोम क्या होता है राइजोम होता है ना राइजोम क्लेमाइडोमोनास, आइडोमोना जोस्पोर ये भी सही ईस्ट में बर्डिंग आई 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 क्या पूछा है क्या पूछा है क्या पूछा है इसमें क्या हो गया इसमें तो सारे सही लग रहे हैं मुझे तो कोई गलत ही नहीं लग रहा है सारे ए बी सी डी मतलब इसमें क्या देना चाहिए था ई ऑप्शन देना चाहिए था क्या ई ऑप्शन देना चाहिए था और कहना चाहिए था ऑल और ऑल आंसर करते क्या ऐसा कुछ करना चाहिए था हाँ 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 चलो ठीक है फैमिली रेसिमोज इनफ्लोसेंस पर पाया जाता है यस एनसीआरटी में दिया गया है साइमोज कहा मिलता है सोलनेसी में रेसिमोज कहा मिलता है फैबेसी वही दाल वाली फैमिली दालों वाली फैमिली हो जाएगी द स्टेम विद कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल फ्लावर विद सीनेट्रस कंडीशन अच्छा सवाल है एनसीआरटी में नहीं दिया गया आपको याद करना है दो चीजें बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल एंड सिनेंडरस कंडीशन इसटमेन में पाई जाती कुकर बिटेसी फैमिली में कुकर बिटेसी फैमिली में ओके चलो पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाइकार्पिलरी ओवरी विद ऑब्लिक सेप्टा समझ में आया ऑब्लिक सेप्टा एक ही फैमिली में आपको मिलता है दैट इज सोलेनेसी सोलेनेसी फैमिली में

जल्दी से बताइए बिल्कुल 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 बिल्कुल।, बिल्कुल। नीम में पिनेटली कंपाउंड ली पाई थी है ना नीम में पिनेटली कंपाउंड ली पाई जाती है ऑफ प्लांट फैमिली विच स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म किस फैमिली के प्लांट इंडो में फूड को स्टोर करते हैं जैसे राइस जैसे वीट धान गेहूं चावल ये सब बेटा अपने में खाना भर लेते हैं ओके और सब फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं ग्रेमिनी नाम के फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं ओके तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेमिनी नेक्स्ट क्वेश्चन वन कैन डिस्टिंग लीफलेट फ्रॉम ए लीव बाय द

हाँ चलो आगे बढ़ते हैं फ्रॉम द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द मेन स्टेम ऑब्लिक ये तो सीधे एनसीआर की लाइन है ये तो सीधे की लाइन है कहां पर ऐसा होता है? Leafy suit, uh, oblique branch सीधे आती हैं बनाना और मिंट में लेकिन अच्छा सवाल है एनसीआर में लेकिन इसको करने में अच्छे अच्छों की हालत निकल जाती है क्या बात है सर अरे बात कोई नहीं बेटा बस तुम लोग सही से आंसर कर रहे हो मैं भी थोड़ा खुश हूँ पॉलीमोनियल आहा आहा पॉलीमोनियल में किसे रखा गया ये तो चैप्टर वन का सवाल है लिविंग वर्ल्ड का पॉलीमोनियल में किसको रखा गया एक तो सोलेनेसी को रखा गया था पोटैटो की फैमिली आलू इसी फैमिली में आता है और कानवो जिसमें स्वीट पोटैटो आता वाह क्या बात है पोटैटो किस में आता है सोलनेसी में आता है और स्वीट पोटेटो किस में आता है कानवो ल्यूलेसी कानी फैमिली नहीं बेटा कानवो ल्यूलेसी फैमिली अब कई लोग इसको बोल ही नहीं पाएंगे तो बस वो याद कर लेते हैं कानवो फैमिली तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द रेटिकुलेट वेनेशन इज कॉमनली फाउंड इन द लीव्स ऑफ वेनेशन कॉमनली कहां पर मिलेगा आपको रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन बेटा डाइकोट में मिलेगा तो देखो मेज मोनोकोट है बार्ली मोनोकोट है है ना बार्ली मोनोकोट है और ये तो फ्यूनेरिया बेटा दिया हुआ है इसको तो हटा ही मैग मैग्नोलिया रोज हिबिस्कस और कैथेरेंटसी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस ऑप्शन एलिमिनेट कर लो आंसर आ जाएगा अच्छा एंटोनी वैसे आलू तो हम लोग की फैमिली का भी हिस्सा है ना आलू आलू से जिंदगी बीती जा रही है टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द फ्लावर इज नोन गायनोशियम अगर टॉप मोस्ट पोजिशन पे तो बाकी पार्ट नीचे आ जाएंगे बाकी पार्ट नीचे आ जाएंगे बेटा तो कैसी कंडीशन हो जाएगी बाकी पार्ट नीचे आ गए तो हाइपोगाइनस फ्लावर को हाइपोगाइनस कहेंगे ओवरी को सुपीरियर कहेंगे ठीक है फ्लावर को हाइपोगाइनस कहा जाएगा identify in order of plant sowing alternate opposite and देखो सारे एग्जांपल उठा लिए गए सारे एग्जांपल एनसीईआरटी से उठा लिए गए alternate opposite और whorl तीनों चीजें बतानी alternate कहां पर मिलेगा चाइना रोज में कैलोट्रोपिस में अपोजिट मिल जाएगा नीडियम में whorl मिल जाएगा तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यस कोकोनट कोकोनट फ्रूट कौन सा है एनसीआरटी में एक ही तो फ्रूट दिया गया है बेटा एनसीआरटी में एक ही फ्रूट तो दिया गया है कौन सा दिया गया फ्रूट दैट इज ड्रूप ड्रूप के दो ही एग्जाम्पल दिए गए मैंगो और कोकोनट एंड ऑफसेट इज ए लेटरल ब्रांच विद सॉल्ट इंटर नोड एंड ईच नोड बीरिंग ए रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ टॉफ रूट इट इज फाउंड इन ऑफसेट कहाँ पाया जाता है एक तो आइकॉर्निया जलकुंभी में होता है और दूसरा पिस्टिया में पाया था पिस्टिया आइकॉर्निया दो एग्जाम्पल हो जाएंगे द बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट सोर्स ऑफ कॉल्चीसीन कॉल्चीसीन एक माइटोटिक पॉइजन है <laughs> कह रहे कि टिफिन वाले आलू की दाल खिला रहे अच्छा अच्छा जब घर में नहीं अभी नवरात्र स्टार्ट होते हैं जब फास्ट रहते तो आलू की जो बनती है ना वो आलू की जो सब्जी बनती घी में है ना और केवल उसी को मिलती जब फास्ट रहता है घर में जो व्रत रहता है उसी को मिलती है। तो कुछ लोग खाने के लिए व्रत रहते हैं जबकि व्रत का मेन पर्पस ये भूखे रहना लेकिन कुछ लोग खाने के लिए व्रत रहते हैं और नॉर्मली मतलब वो जब व्रत रहते हैं तो नॉर्मल दिन की तुलना में वो ज्यादा खा लेते हैं मतलब फल भी खाएंगे फिरो जो आटा होता है ना कौन सा होता है वो सिंघाड़े का आटा उसकी पूरी बनाओ और ये आलू बनाओ सूखे आलू बनाओ गीले आलू बनाओ ये फल लेके आओ मतलब नॉर्मल दिन की तुलना से वो फास्ट में ज्यादा खा लेते मुझे समझ में नहीं आता कि फास्ट का मतलब क्या ही है ये है ना मतलब अलग ही लेवल होता है लोगों का है ना और सात आठ नौ दिन में कहते हैं फास्ट हमने रखा था पूरे नौ दिन हमने व्रत रखा था अबे तो नौ दिन व्रत तुमने क्यों रखा था मुझे पता है ना कि किस किस लिए तुमने नौ दिन व्रत रखा था <laughs> हाँ कुट्टू कुट्टू का आटा जो होता है ना कुट्टू का आटा उसकी पूड़ी खाते हैं ना तो मतलब फास्ट रहने का मतलब यह कि मतलब क्या मैं <laughs> चलो ठीक नेम कॉल्चिकम गया इसका नहीं मैं एकदम सही कह रहा हूं कोई मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग कौन सा इनकरेक्ट है फिलोटेक्स इज प्लम ये भी सही है

एंडोस्पर्म एंड जल्दी से सीड एग्जाम्पल ऑफ सीड विद एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म पेरिस्पर्म दोनों कहां पाए जाते हैं तो पेरिस्पर्म आपने कहा पढ़ा है कैस्टर में कैस्टर में एंडोस्पर्म भी होता है और बेटा पेरिस्पर्म भी पाया जाता है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बहुत बढ़िया सवाल है ये ध्यान देना इसको ठीक है अच्छा एंडोनी कह रहे हैं कि हमारी फैमिली में आठ लोग फास्ट रहते हैं और सौ किलो आलू लगता है आठ नौ दिन में <laughs> अभी आलू महंगा हो जाएगा आने वाले समय में अच्छा रजत कहते हैं कि आप बहुत कूल लग रहे हैं आज ऐसी रहा करिए चलो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही रहूं द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इन्फ्लोरसेंस इज टू हेल्प इन इन्फ्लोरसेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है सारी दुनिया एक ही काम कर रही बस अट्रैक्ट करना ये देखो अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन पॉलिनेशन कराने के लिए सब अपने अपने जुगाड़ में लगे हुए हैं ना सब अपने अपने जुगाड़ में लगे ये जो फ्लावर कलरफुल है जो ये गुलाब का फूल लेके घूमते हो ना ये गुलाब का फूल उसने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था ये गुलाब का फूल उसने अपने लिए बनाया था ताकि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए अब तुम उसको तोड़ के किसी को भी अट्रैक्ट कर लो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन ये निश्चित है कि गुलाब के पेड़ ने गुलाब का फूल तुम्हारे लिए नहीं बनाया था है ना? अब तुम उसको किसी के लिए भी यूज कर लो वो अलग चीज है कहां पर? के दो ही में। दोनों मैंने आज आपको बता दिए नहीं क्लास में भी कूल ही रहते हैं <laughs> अच्छा नहीं बेटा मैं तो साहि मैं तो बहुत सीधा साधा बच्चा हूं है ना मैं तो जानते हो क्लास में है ना तो, मैं फेरा यानी मैंगो हो गया एक तो और दूसरा नारियल है ना फेरा और नारियल चलो वर्ल सिंपल विद रेटिकुलेट वेनेशन अब वर्ल कह दिया तो बस समझ गए वर्ल कह दिया तो फिर एलेस्टोनिया ही करना है और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं यहाँ पर है ना विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइमोज इनफ्लोरसेंस इज इनकरेक्ट साइमोज के लिए

जल्दी से कमेंट करके एक तो कलेट्रोपिस में होती दूसरी कहां पर होती आप बताओगे अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल विद रिस्पेक्ट टू द ईच अदर इन द फ्लोरल बड कॉल सेपल और पेटल का जो अरेंजमेंट होता है उसे क्या कहते हैं यस yes. हाँ गुआवा बिल्कुल सही उमेश अपर्णा यस yes. बिल्कुल सही प्रत्युष

पेरी गायनस फ्लावर देखिए कितनी बार सवाल पूछा गया पेरी गायनस रोज प्लम पीच नहीं पीच नहीं पी लिखा है अरे वाह इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल तो नहीं हो सकता है डी हो जाएगा है ना माय नोसेलर सेल सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्रूड इनटू टू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इन द एम्ब्रियो ईच ऑफ माई कंटेन मेनी एम्ब्रियो हु कौन हूं पहचानो मैं कौन मैं हूं डॉन पॉली एम्ब्रियोनी का केस है तो बताओ पॉली एम्ब्रियोनी एनसीआरटी ने कहां पर बताया है एक तो आपको बताया है मैंगो में और दूसरा सिट्रस सिट्रस मतलब नींबू तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी स्ट्रॉबेरी क्यों कर रहे हो बेटा रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन किसकी प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है क्या साइकस पाइनस बरगद पीपल बरगद पीपल तो हटा ही दो अब बचे दो लोग साइकस में होता है साइनोबैक्टीरिया है ना ब्लू ग्रीन एलगी और पाइनस में होता है माइकोराइजा अब बताओ इतना मैंने बता दिया अब जो ब्लू ग्रीन एलगी ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन सम प्लांट द लिप्स आर शॉर्ट लिव एंड स्मॉल द पिटियोल ऑफ सच प्लांट एक्सपेंड एंड बिकम ग्रीन सच प्लांटेज बताओ किसके बारे में बात कर रहा है फिलोड के बारे में बात कर रहा है बेटा। लिप, लिप होती है एक्सपेंड करके करता है। फिलोड कहते हैं ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में कंडीशन पाई जाती है एपी पेटलस एंड एपी फिलस कंडीशन आर एनसीआरटी में दिए गए एपी पेटलस कंडीशन सोलेनेसी में मिल जाएगी और एपिफिलस कंडीशन आपको लिलियसी में मिल जाएगी तो बस इनके एग्जाम्पल ढूंढ लो आप मिल जाएगा आपको जवाब आप एपीपिटल में और लिलिस Lilies, लिलियसी का हो गया तो करेक्ट ऑप्शन 69 का सी हो जाएगा 70 पे आ गए हैं द कंडीशन विद द यूनाइटेड कैलिक्स इन ए फ्लावर इज कॉल्ड अगर कैलिक्स यूनाइटेड हो जाएंगे तो क्या कहेंगे बेटा इस कंडीशन को कैलिक्स अगर यूनाइटेड होंगे दैट कंडीशन इज एज

Chinese सामान बहुत टिकाऊ होता नहीं रोजा that is good hell, है रोजा ना इसी को good कहते हैं बेटा तो good के 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 लिए लिए कौन सा टर्म यूज करते है? जल्दी से बताइए बच्चों कमान, 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 कमान। चलो तुम लोगों ने खैर लाइक कर दिया है जो बच्चे लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक करे मेरे बच्चे जल्दी से लाइक करो क्या होता है बेटा मोनो अडल्फस मोनो अडल्फस कंडीशन सेवेंटी थ्री पे चलते हैं इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर विच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अपलाई टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड ये तो आपके नीट में इसी साल का सवाल था यस yes. पाइनएप्पल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन और इथालिन दोनों का यूज करते हैं अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन इनिशिएट करता है मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन एन अदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं सेवेंटी फोर बढ़िया सवाल यह भी है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इनिशिएट करता है इथाइलिन बिल्कुल रजत नितेश परिधि yes, बिल्कुल इनिशिएट करता है शाही बिल्कुल सही रजत सुमन इम्ब्रीकेट एस्टिवेशन है ना बेटा ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हो जाएगा सेवेंटी फाइव द एस्टिवेशन दैट मे बी सीन इन सेपल ऑफ फैमिली पेप्लियोनोइटी पेप्लियोनोइटी का ही नया नाम है बेटा फेबेसी ठीक है फैबेसी

ऑक्सीजन पाइनएप्पल में फ्लॉरिंग को प्रमोट करता है ना प्रमोट करता है ऐप से याद कर लेना इसको क्लियर द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द ओवरी ऑफ रोज एंड चाइना रोज रोज और चाइना रोज की ओवरी के बारे में पूछा गया तो बेटा रोज में तो आप जानते हैं कि रोज में कैसी ओवरी पाई जाती है रोज हैज हाफ इनफे जिसको लिखा सेमी इन्फेरियर और चाइना रोज में सुपीरियर होती है ना चाइना रोज में सुपीरियर ओरी पाई जाती है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्लियर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 76 के लिए 77 चलते हैं इन गोवा प्लांट देखिए बताइए गोवा प्लांट कैसा होता है एक एक क्वेश्चन में कई कई चीजें छिपी हुई है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सेवन पे आ चुके हैं गोवा प्लांट कैसा होता है गोवा प्लांट लिप सो अपोजिट फ्लोटक्सीड फ्लावर आर एपी गाइनस क्लियर बेटा क्लियर है इतनी बात सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट करेक्ट कौन सा है पेरी गाइनस फ्लावर फाउंड इन रोज सही है, tulip. Tulip, tulip, keel, 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 keel. है तो किसका मेंबर है ट्यूलिप ये तो ली का में तो, तो गलत हो गया ना बेटा लिलियसी में तो कील नहीं पाया जाएगा ये कील बेटा वो दीवार पर ठोकने वाली कील नहीं है ये कील क्या होती है बेटा ये पेटल होता है ना पेटल होता है Uh, जाइगोमोर्फिक फ्लावर एंडल्फर्सिशन फ्लॉर एक ही फैमिली आपके एनसीआर रखती है सेट ऑफ कॉमन नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्डर प्लांट नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर्डर प्लांट पूछा है बेटा देखो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो ट्राइफोलियम में भी होगा विदेनिया में भी होगा है ना है ना है ना लेकिन फॉर चारे वाले कौन है बेटा चारे वाले मेंबर है, ट्राइफोलियम फैमिली के सभी मेंबर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा ये भी अच्छा सवाल है बेटा अच्छा सवाल है ये ठीक है तो सेवन स्टार दे दिए का मतलब क्या होता है बेटा वॉट इज फिल्लो टैक्सी दिस इज द मोड ऑफ अरेन्जमेंट ऑफ लिप्स ऑन दूवर इज हाफ इनफीरियर फिर वही सवाल हाफ इनफीरियर प्लम पीच रोज मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अपुंशिया अपुंशिया में कौन सा मॉडिफाइड स्टेम पाया जाता है अपुंशिया में कौन सा मॉडिफाइड स्टेम पाया जाता है apunchia, में यानी करेगा कहां पर ग्राम में तो नहीं करेगा सनफ्लावर में नहीं करेगा बीन में नहीं करेगा राइस में एंडोस्पर्म के अंदर ही तो खाना स्टोर होगा बेटा चलो बताओ ये किस टाइप का प्लेजेशन आपको दिया गया है एग्जाम्पल बताने इसके है ना तो ये प्लेसेंटेशन पहचान सकते हो मुझे जल्दी से बताओ ये कौन सा प्लेसेंटेशन दिया गया है ये पाया जाएगा डायंथस एंड प्रिमरोज में अब बताओ ये कौन सा प्लेसेंटेशन है इन लीची द थर्ड एंटीगमेंट विच डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओव्यूलेज बहुत पूछा गया लीची में यही बेटा एडेबल पार्ट भी होता क्या कहते हैं इसे

जो प्लांट का नाम है उसका नाम है पेपावर पेपावर है ना पेपावर नहीं, अभी तो है पेरी गाइनस फ्लावर एंड डायडल्फस कंडीशन फाउंड इन द फैमिली पेरी गाइनस फ्लावर डायड पेरी गाइनस फ्लावर कहां पर होगा पेरी गाइनस क्वेश्चन नंबर एटी एट स नहीं होगा बेटा ये हाइपो होगा ना आ, मुस्तक तुम्हें बहुत पता है द प्लेसेंटा फॉर्मेर रिज एलोंग बस पहचान गए कहा वैसे आपको पता चला कौन सा प्लेसेंटेशन है बेटा जैसे उसने टू रो कहा आपको पता चल गया कि ये भाई ये तो मार्जिनल की बात कर रहा है ना मार्जिनल प्रेजेंटेशन मार्जिनल प्रेजेंटेशन द अंडरग्राउंड स्टेम विच प्लांट इज मॉडिफाइड टू स्टोर फूड एंड आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ बताओ कौन सा यहां पर है अंडरग्राउंड स्टेम गॉड ये तो लौकी कद्दू तो रही हो गए बोगेनबिलिया कोलोकैशिया अपुंशिया कोलोकैशिया सी यस कोलोकैशिया हो जाएगा कोलोकैशिया लो क्या होता है जानते हैं बेटा कोलो है? तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे बच्चे आ, बेल आइकन हिट करेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे और एच जी लाइव कोड यूज करेंगे टेन परसेंट डिस्काउंट के लिए ओके लेट्स क्रैक नीट यूजी पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी यही टेलीग्राम चैनल है यही यूट्यूब चैनल है और अभी तुरंत हम चल रहे हैं कहां पर अन के लर्निंग एप पर और वहां पर वीआईपी सीरीज हम करेंगे और वी सीरीज में क्वेश्चन करेंगे कितने क्वेश्चन क्वेश्चन और ये होंगे पोल के थ्रू मजा आ जाएगा आपको है ना तो अगर आपके पास लर्निंग नहीं तो उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा ओके 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 बच्चों और कल का शेड्यूल अगर मैं आपको बताऊं कल का क्या शेड्यूल रहने वाला है क्योंकि कल कई सारी क्लासेस आपकी होने वाली बेटा है ना कल आपकी कई सारी क्लासेस होने वाली हैं यस yes, ये देखो यस 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 दिखाई दिया आपको कल सुबह साढ़े आठ बजे एम होगा साढ़े दस बजे एम होगा बारह बजे दो बजे चार एम के सेशन होंगे जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों चीजें मैं कराऊंगा नौ बजे शाम को एन टी मैराथन में कल इको सिस्टम होगा दस बजे यूट्यूब पर एनाटमी अगला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे ग्यारह बजे ऐप पे आपकी क्लास होगी वीआईपी सीरीज में लोकोमोशन एंड मूवमेंट और आज की वीआईपी सीरीज में हमारा चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन ओके बच्चों तो बाय बाय टेक केयर मिलते हैं यस अच्छा ऐसा करी सर आई वॉज रॉन्ग आपकी स्पीड फास्ट नहीं थी बिल्कुल बेटा स्पीड देखिए हमने ऐसी रखी थी कि 45 मिनट में 90 सवाल आपने कर लिए तो तुरंत आइए जल्दी से सारे बच्चे अकेडमी लर्निंग ऐप पर ओके बाय